अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हर माँ की ज़रूरत जो मोस्टली हमें लंच में चाहिए होती है और बच्चों की फेवरेट है, हम चिकन नगर्स बनाएंगे आज। और चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 kg चिकन मिंस लिया मैंने। इसकी जो बेसिक रेसिपी है जो आप लोग बाज़ारों में खाते हैं या बाज़ार से लेके डिफरेंट ब्रांड्स का लेते हैं, उसमें चिकन मिंस के साथ ये है चिकन की स्किन। बेसिकली चिकन स्किन में, चिकन मिंस में चिकन स्किन डाल के और हम इसको ग्राइंड करके एक डो बनाएंगे। बेसिक रेसिपी ये है, जिसको चिकन स्किन नहीं पसंद वो ब्रेड यूज़ कर ले। सो 2 ब्रेड्स मैं यूज़ करूँगी इसमें, इफ़ यू डोंट यूज़ द स्किन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन मिंस में स्किन को ग्राइंड कर लें या ब्रेड को ग्राइंड कर लें और फिर हम इसको ग्राइंड करके आपको इसकी शेप दिखाते हैं। चिकन हमारा ग्राइंड हो चुका है, अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 tablespoon वाइट पेपर पाउडर है, 1 tablespoon मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 tablespoon पेपरिका पाउडर है, 1 tablespoon गार्लिक पाउडर है, 1 tablespoon जिंजर पाउडर है, 1 tablespoon मेरे पास शुगर है, 2 tablespoon सॉल्ट है और ये मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसको मैं पाउडर बना लूँगी, ये है चिकन क्यूब। इसको मैंने पाउडर कर लिया ताकि आपको पता चले कि चिकन क्यूब को हम पाउडर बनाते हैं तो वो चिकन पाउडर वो होता है, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि चिकन पाउडर क्या होता है। अब हम अपने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चिकन मिंस में सारे स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं, अब ये हम इसको साइड पर रख देते हैं। अब हम इसकी ड्राई कोटिंग स्टार्ट बनाते हैं। पूरा भर के हम 1 cup इसका यूज़ करेंगे। 1 cup प्लेन फ्लावर, 1 cup कॉर्नफ्लावर और 1 cup हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये हमारा ड्राई बैटर की चीज़ें हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम एग वॉश रेडी करते हैं। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मिल्क जितना भी आपको चाहिए क्योंकि हमने डिप करना है इसमें। मिल्क के अंदर 1 egg हम डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से बीट कर लें और ये हमारा एग वॉश रेडी है। हमारे पास 3 चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब हम नगेट्स की शेप बनाते हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी जो होती है ये मिंस की ये स्टिकी होती है। अब आप इसकी शेप बना लें। नगेट्स की शेप बनाने के बाद इसको ड्राई कोटिंग में डिप करें, उसके बाद इसको एग वॉश लगा के दोबारा ड्राई कोटिंग में डालें। और अगर ये डी शेप हो गया फिर इसको दोबारा से थोड़ा सा शेप दे दें। इस तरह हम ये अपने सारे नगेट्स रेडी कर लेंगे। ऑयल यहाँ मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। थ्री से 4 मिनट्स में ये फ्राई हो जाते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं और लंच के लिए भी ज़बरदस्त हैं। मुझे तो खैर ये खुद भी बहुत पसंद है। चिकन नगेट्स रेडी हो चुके हैं। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़िएगा। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तमन्ना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह का शुक्र जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। आमीन। अल्लाह